दोस्तों नमस्कार। आपने भारतवर्ष में अनेकों महात्माओं, साधु संतों, तपस्वियों के बारे में सुना होगा और ये तो पूरा भारतवर्ष तपस्थली ही है। समय समय पे हर एक काल में यहाँ पे अद्भुत क्षमता वाले और समाज का कल्याण करने वाले साधु संत और तपस्वी जन्म लेते रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे आपसे, एक बाबा हैं जिनका नाम है नीम करौली बाबा, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर नामक गांव में हुआ था। लगभग 19वीं सदी के आसपास माना जाता है और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1973 में वृंदावन के समीप नैनीताल के पास पंत नगर में इनकी समाधि स्थल है। सबसे बड़ी बात इनके बारे में जो प्रचलित है कि ये अद्भुत और चमत्कारों से भरे हुए और इनके चमत्कारों को, इनकी आस्था को हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी लोगों ने लोहा माना था। अमेरिका जैसे देश के कई मशहूर हस्तियां, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग इनके घनिष्ठ शिष्यों में से एक हैं। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स भी इनकी अनुयायी भक्त रह चुकी हैं। बाबा नीम करौली जो कि चमत्कारों से भरे हुए और लोगों के जन कल्याण में सदैव इन्होंने अपना जीवन पर्यंत ये लगे रहे और आज भी इनकी इस दुनिया में न रह जाने के बाद भी आज उतने ही फेमस हैं और ज़्यादा लोग इनको चाहते हैं और उत्तराखंड के कैंची धाम आश्रम में आज भी लोग इनकी कृपा प्राप्त करने जाते हैं। ऐसे ही एक अनुयायी बाबा के रिचर्ड एल्फर्ट, जो बाबा से दीक्षा लेने के बाद इनके शिष्य बने और इन्होंने अपना नाम एल्फर्ट रामदास रख लिया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, वो जो किताब है मिरेकल ऑफ लव के नाम से इतनी मशहूर हुई कि बाबा पूरे विश्व में जाने लगे। और इसी कड़ी में एक कहानी है बाबा की, जो बुलेट प्रूफ कम्बल की कहानी है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये उस समय की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटिश सैनिकों का सामना जापानी सैनिकों से था और उस समय एक दंपत्ति का पुत्र जो इस लड़ाई में एक सैनिक के रूप में भाग ले रहा था ब्रिटिश सैनिकों के तरफ से, वो बर्मा फ्रंट पे, लड़ाई के फ्रंट पे था और कई दिन गुजर गए थे उसके दंपत्तियों की, उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। लड़ाई की खबर मिलने से किसी के भी माता पिता हों चिंतित तो होंगे ही, उनको भी ये चिंता सताने लगी कि हमारा पुत्र कैसा होगा, कब आएगा। काफ़ी बेचारे निराशा में डूबे हुए थे। तो एक रात बाबा वहाँ से गुजरते हुए उसी दंपत्ति के घर में विश्राम के लिए रुक गए। गरीब दंपत्ति था, व्यवस्थाएं उनकी छिड़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यथाशक्ति बाबा का सत्कार किया। एक तखत पे कम्बल दिया उन्होंने बाबा को रात गुजारने के लिए और बाबा बिना कुछ खाए पिए उसी कम्बल को ओढ़कर सो गए। लेकिन रात भर बाबा कराहते रहे, ऐसा लग रहा था बाबा के ऊपर कोई लठ चला रहा है और दंपत्ति को ये चिंता खाए जा रही थी कि हे भगवान, लगता है बाबा की तबीयत खराब है, क्या है। पर उनकी हिम्मत नहीं कर रही थी कि बाबा के समीप जाए वो।
रात भर उस कम्बल में बाबा कराहते रहे। सुबह हुई, बाबा ने उस कम्बल को दंपत्ति को सबसे पहले उठे और कम्बल को समेटा और दंपत्ति को दिया। बोला, ये कम्बल अभी आप जाइए और नदी में प्रवाहित करके आइए और इसको खोल के मत देखना। उस दंपत्ति ने भी वैसा ही किया। वो कम्बल को उन्होंने समेटा, कम्बल काफ़ी भारी लग रहा था, लेके गए वो और उस कम्बल को नदी में विसर्जन कर दिया। इसके बाद जब वो लौटे तो बाबा ने उनसे कहा कि आपका बेटा एक महीने के अंदर घर वापस आ जाएगा। इतना कह के बाबा फिर दूसरी तरफ प्रस्थान कर गए। ठीक एक महीने के बाद उनका बेटा लौटा और उसने अपनी ऊपर गुजरी हुई कहानी बताई कि कैसे वो बर्मा फ्रंट में जापानी सैनिकों के बीच में अकेला फंस गया था और उसके ऊपर चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन कोई गोली उसे छू नहीं पाई और रात भर गोलियों के बीच में वह यही सोच रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, पता नहीं कौन सी गोली मेरे ऊपर आएगी और मेरा प्राणांत होगा। वही करते करते सुबह हुई और तब तक ब्रिटिश सैनिकों की फौज उसको कवर देने के लिए आ गई और उसकी जान बची, वो वापस आया। जब उसने अपने दंपत्ति से ये बात बताई तो दंपत्ति ने जो दिन और समय बताया वो भौचक्के रह गए और उन्हें ये एहसास हुआ कि बाबा ने जो कम्बल हमें दिया था उसमें और कुछ नहीं, वो बुलेट थी, जो बुलेट मेरे बच्चे को लगने वाले थे बाबा ने अपने कम्बल में समेट लिया। यही था बाबा नीम करौली का चमत्कार। और कई ऐसे चमत्कार थे जिससे हमारे भारत और विदेशों में लोगों ने देखा है और बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने आपको सुनाया। इसके अलावा अगर आप खोज करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे तो सैकड़ों ऐसे चमत्कार हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी इनके अनुयायी थे अपने भारत से, देश विदेशों से, और समय समय पर ये बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचते रहते हैं। मार्क जुकरबर्ग जब फेसबुक काफ़ी कंपनी घाटे में चल रही थी या स्लो डाउन था, वो परेशान था, तब एप्पल कंपनी के मालिक उन्होंने ही, स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को सलाह दी कि आप उत्तराखंड के कैंची धाम आश्रम जाइए। वो सादगी पूर्वक मार्क जुकरबर्ग आए और इन्होंने कुछ दिन बिताए और तभी से इनकी ग्रोथ और कंपनी की उन्नति चालू हुई और ये विश्व में जो है बहुत बड़े नाम के साथ, और आज फेसबुक कितना फेमस है हम आप सब जानते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, छोटी छोटी कुछ अनजान कहानियों से आपको मैं परिचित कराता रहूँगा, हमारा आपका सामना होता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।